हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ, उस प्रोडक्ट का नाम है डीपी वाइट क्रीम। ये वॉकहार्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। ये 15 ml की ट्यूब पैकेजिंग में आता है और इसकी MRP है 553 रुपीज़। इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ है 24 मंथ्स और इसे मेन वेमेन दोनों यूज़ कर सकते हैं और ये ऑल स्किन टाइप्स है। अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, इसमें एक्वा, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, अरब्यूटीन, लैक्टिक एसिड और बहुत सारे केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है। अब जानते हैं ये प्रोडक्ट क्या क्या क्लेम करता है। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है और स्किन पे जो स्पॉट्स होते हैं उन्हें भी दूर करता है, अनइवन स्किन टोन को इवन करता है और स्किन को ब्राइटन करता है। अब हम जानते हैं ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करता है। दोस्तों, इसमें जो हाइड्रोक्विनोन का यूज़ किया गया है, ये हाइड्रोक्विनोन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो स्किन की डीपर लेयर में जाके पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और इसमें जो कोजिक एसिड, अरब्यूटीन, लैक्टिक एसिड और भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये स्किन में मेलानिन बनने के प्रोसेस को कम करते हैं, इसलिए स्किन लाइटनिंग में ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब जानते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। इस क्रीम को आपको सिर्फ नाइट में यूज़ करना है। सबसे पहले आपको किसी माइल्ड क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करना है, पैड ड्राई कर लेना है और फिर इफेक्टेड एरिया पे स्मॉल क्वांटिटी में इस क्रीम को लेके धीरे धीरे मसाज करके अप्लाई करना है। इस क्रीम को लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इसे अपने आईज के पास, नोज के पास और लिप्स के आसपास बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और अगर आप इस क्रीम को यूज करते हैं तो आपको दिन में सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करना है। अब हम जानते हैं इस क्रीम को कौन कौन से स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा सकता है। इसे पिगमेंटेशन, ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स, ब्लैक हेड्स और डेड स्किन, इन सारे स्किन प्रॉब्लम्स के लिए यूज किया जा सकता है। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस क्रीम में पूरी तरह से केमिकल इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, साथ ही इसमें स्टेरॉइड का भी यूज किया गया है। इसमें जो हाइड्रोक्विनोन का यूज किया गया है, ये स्किन के लिए सेफ नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप इस क्रीम को यूज करना चाहते हैं तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसके बाद ही इसे यूज कीजिए। तो ये थी दोस्तों डीपी वाइट क्रीम के बारे में पूरी जानकारी। आई होप कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरी वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।